हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर एडिशन बाय कंपोनेंट मेथड। सबने ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में तो सुना ही होगा। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, मान लेते हैं ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी। और वेक्टर्स हैं क्या? वेक्टर्स आर फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास डायरेक्शन है। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक लाइन सेगमेंट जो मैग्नीट्यूड बताएगी, और इसके ऊपर एरो लगाकर उस फिजिकल क्वांटिटी की हम डायरेक्शन इंडिकेट करते हैं। जैसे कि अगर मैं इस पैन को यहां से ड्रॉप करूंगा, ये सीधा नीचे जाएगा। तो यहां पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की एक डायरेक्शन है। डायरेक्शन क्या है? नीचे, क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है। अगर डायरेक्शन कुछ और होती तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये उस दिशा में जाता, लेकिन यहां पर एक्सीलरेशन की डायरेक्शन फिक्स है जो नीचे है। तो इसलिए वेक्टर्स के केस में हमको दिशा भी बतानी होगी। मैंने मान लिया यहां पर हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी। और वेक्टर की एक खास प्रॉपर्टी होती है कि हम वेक्टर को पैरेलली ट्रांसलेट कर सकते हैं। पैरेलल ट्रांसलेशन का मतलब क्या है? पैरेलल ट्रांसलेशन का मतलब है कि अगर आप इस वेक्टर बी को लोगे तो आप इस वेक्टर बी को इसके पैरेलल कहीं पर भी ट्रांसलेट कर सकते हो। यही है पैरेलल ट्रांसलेशन। पैरेलल ट्रांसलेशन में हो क्या रहा है कि वेक्टर बी, ना तो आप इसकी लेंथ को बदल रहे हो ना आप इसकी डायरेक्शन बदल रहे हो। ये अभी भी इसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, पहले भी इसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा था और पहले भी इसकी लेंथ इतनी ही थी। अब एडिशन का तरीका है क्या? आप सभी ने पढ़ा होगा कि ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अगर आप वेक्टर बी को वेक्टर ए के अंदर ऐड कर रहे हो, ठीक है, ये हम कर क्या रहे हैं कि वेक्टर बी को हमने उठाया और वेक्टर बी को उठाकर हमने वेक्टर ए के हेड पर रख दिया। तो ये हम कर रहे हैं ए प्लस बी, जिस वेक्टर को ऐड कर रहे हैं उसको पैरेलली ट्रांसलेट करो, उसको उठाकर वेक्टर ए के हेड के ऊपर रख दो, और यहां पर जो रिजल्टेंट होगा वो एक वेक्टर होगा जो वेक्टर ए की टेल से वेक्टर बी के हेड को ज्वाइन करने वाला वेक्टर होगा। तो ये वेक्टर है हमारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसी को हम बोलते थे ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। और इस ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का हमें पता कहां से लगा? इसका हमको पता लगा डिस्प्लेसमेंट के बिहेवियर को देखकर। डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल इसी तरीके से ऐड होता है। आप अगर ईस्टवर्ड मूव कर रहे हो 6 किलोमीटर और फिर आप नॉर्थवर्ड मूव किए 8 किलोमीटर, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा, ये जिस ट्रायंगल की जो तीसरी लेंथ है वो इसके बराबर हो जाएगा। तो सारे वेक्टर क्वांटिटीज जिनके पास डायरेक्शन है, वो सारी क्वांटिटीज वो ठीक डिस्प्लेसमेंट की तरह ही ऐड होते हैं। अब हम बात करेंगे कि हाउ टू ऐड वेक्टर्स बाय द कंपोनेंट मेथड। तो इसको पहले थोड़ा समझ लेते हैं। सपोज सबसे पहले तो दो वेक्टर हम ले लेते हैं, एक वेक्टर है हमारे पास ये और दूसरा वेक्टर हम ले लेते हैं ये, ठीक है। एक वेक्टर है ये, दूसरा वेक्टर ये, इस वेक्टर को नाम दे देते हैं, ये है हमारा वेक्टर ए और ये हमारा हो जाएगा वेक्टर बी। अब इसके अंदर हमें क्या करना है? सबसे पहले एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हम ले लेते हैं। देखो वेक्टर तो यही रहेगा, वेक्टर हमेशा इंडिपेंडेंट होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम के। पहले मैंने वेक्टर लिया, इसी डायरेक्शन में क्वांटिटी पॉइंट कर रही थी, उसका कुछ मैग्नीट्यूड था। उसके बाद मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, कोऑर्डिनेट सिस्टम हमेशा हमारी चॉइस का होता है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस वेक्टर ए को पैरेलली ट्रांसलेट करके हम इसको यहां पर ला सकते हैं और वेक्टर बी को भी पैरेलली ट्रांसलेट करके हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पर रख देते हैं। और हमें करना क्या है? हमें बी के अंदर ए को ऐड करना है, हमें वेक्टर बी के अंदर वेक्टर ए को ऐड करना है। तो यहां पर हम वेक्टर ए को पैरेलली ट्रांसलेट करेंगे और इसके हेड के ऊपर रख देंगे। जैसे हमने वेक्टर ए को पैरेलली ट्रांसलेट किया और वेक्टर बी के हेड के ऊपर रख दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें B को उसके कंपोनेंट्स के अंदर तोड़ना है। B को कंपोनेंट्स के अंदर तोड़ने का मतलब है B को ऐसे दो वेक्टर में तोड़ दो जिसका वेक्टर सम वेक्टर B के बराबर हो। तो उसका तरीका है हमारे पास, हम X एक्सिस के ऊपर इतनी लेंथ का एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे जो X डायरेक्शन के अलोंग है, और एक वेक्टर हम ड्रॉ करेंगे Y एक्सिस के अलोंग
जो इतनी लेंथ का होगा। अगर अब आप ये वेक्टर और ये वेक्टर देखोगे, इसको अगर हम बोलें bx और इसको अगर हम बोलें by, तो वेक्टर b बराबर होगा bx वेक्टर प्लस by वेक्टर के, या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि वेक्टर b दिस इज इक्वल टू bx इंटू आई कैप, bx लेंथ का वेक्टर i कैप डायरेक्शन में प्लस by लेंथ का वेक्टर k कैप डायरेक्शन में। और अगर ये एंगल हमारा थीटा है तो यहां पर हमारा हो जाएगा bx इज इक्वल टू b cos थीटा i कैप, by इज इक्वल टू b sin थीटा k कैप। उसी तरीके से हम a को भी लिख सकते हैं। अगर हम देखें कि a वेक्टर कितना एंगल बना रहा है x एक्सिस से, और अगर ये एंगल है हमारे पास phi, ठीक है, ये एंगल थीटा था, x एक्सिस से a वेक्टर बना रहा है एंगल phi, तो यहां पर आप देख सकते हो इसी तरीके से a वेक्टर को भी हम दो पार्ट के अंदर तोड़ सकते हैं। एक हो जाएगा ये वेक्टर और एक हो जाएगा ये वेक्टर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ax और इसको हम बोल देते हैं ay। यहां से भी वेक्टर a ये बराबर आएगा ax i कैप प्लस ay j कैप। ax वेक्टर i कैप डायरेक्शन में ही है, इसकी लेंथ है ax, और ax बराबर किसके है, ax बराबर है a cos phi i कैप प्लस a sin phi j कैप, ये है हमारा वेक्टर a। लेकिन अगर आप एक चीज देखो, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट होगा एक वेक्टर जो b की टेल से a के हेड तक जाता है, एक ऐसा वेक्टर जो b की टेल से a के हेड तक जाता है, ये होगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, यही होगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। और अगर आप रिजल्टेंट वेक्टर के कंपोनेंट देखोगे, तो थोड़ा सा मुझे दोबारा से बनाना होगा। हाँ, अगर अब आप इन दोनों के रिजल्टेंट के कंपोनेंट देखोगे, एक हो जाएगी ये लेंथ दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, तो इसको हम लिख देते हैं, यह है रिजल्टेंट आर एक्स और यह है रिजल्टेंट आर वाई। तो देखो ये लेंथ ए एक्स प्लस बी एक्स ये किसके बराबर है, आर एक्स की। इस ज्योमेट्री से आप देख सकते हो, इस डायग्राम से आर एक्स बराबर है ए एक्स प्लस बी एक्स के, और आर वाई मैग्नीट्यूड ये बराबर होगा ए वाई प्लस बी वाई के, ये बराबर होगा ए वाई प्लस बी वाई के, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर के कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप, और आर एक्स बराबर है हमारा ए एक्स प्लस बी एक्स के, और आर वाई बराबर है हमारा ए वाई प्लस बी वाई के। तो यहां से क्या मीनिंग निकला, अगर हमें इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है, सबसे पहले हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे, इनको रिप्रेजेंट करेंगे इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, बी को भी सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करेंगे, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, उसके कंपोनेंट सीधा सीधा ऐड हो जाएंगे, ए एक्स प्लस बी एक्स हो जाएगा और वाई कंपोनेंट हो जाएगा ए वाई प्लस बी वाई। तो ये होता है हमारा वेक्टर एडिशन बाय द मेथड ऑफ कंपोनेंट, या वेक्टर एडिशन बाय कंपोनेंट मेथड। अगर आपको कोई भी वेक्टर दिया हुआ है, सपोज वेक्टर ए किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आपको दे दिया ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और वहीं पर कोई दूसरा वेक्टर आपको दिया हुआ है सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, तो यहां पर अगर आप इन दोनों वेक्टर को ऐड करना चाहते हैं, दिस वुड बी इक्वल टू सम वेक्टर आर, और इसके कंपोनेंट हो जाएंगे ए एक्स प्लस बी एक्स, ये आई कंपोनेंट हो जाएगा प्लस ए वाई प्लस बी वाई, ये जे कंपोनेंट हो जाएगा एंड प्लस ए जेड प्लस बी जेड, ये के कंपोनेंट हो जाएगा।
So this is how we add vectors by the component method. I hope आपको समझ में आया हो. This is all for now. Thank you.